एक बच्चा कुछ हो जाता था, मतलब कलेजा को काट के लेके चला गया। हमारे समाज में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। गुरु एक व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। किताबी ज्ञान से हटकर वो कभी जीने का तरीका सिखाते हैं, तो कभी जिंदगी की सीख देने के दौरान इंसानियत या दरियादिली का पाठ पढ़ा जाते हैं। इस वीडियो में आपको कहानी सुनाएंगे दरियादिली की मिसाल कायम करने वाले भागलपुर के शिक्षक सौरभ बैनर्जी की। सौरभ बैनर्जी भागलपुर के मशाचक के निवासी हैं, जो कि पेशे से एक ट्यूशन टीचर है। लेकिन पेशे से हटकर इन्होंने जिस कदर जानवरों की सेवा की है वो काबिले तारीफ है। पिछले 38 सालों से लावारिस कुत्तों की सेवा कर रहे हैं सौरभ। 80 के दशक से वो ये काम करते आ रहे हैं। इन्हें जब सड़क किनारे बीमार कुत्ते मिलते हैं या ऐसे कुत्ते मिलते हैं जिनकी हड्डी तक टूटी हुई होती है, ये उन्हें उठाकर घर ले आते हैं, उनका सही इलाज करवाते हैं। सेवा का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। सौरभ उसके बाद इन कुत्तों को पालते भी हैं। टाइमली वैक्सीन लगवाने से लेकर रोज के खाने पीने तक का विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। ज्यादा ठंड हो तो इन्हें अपने साथ अपने कमरे में बोरों से ढककर सुलाते भी हैं, ताकि कोई ठंड की चपेट में ना आ जाए। सौरभ बैनर्जी का जानवरों के साथ ये लगाव कब से है? इस सेवा भाव के पीछे क्या कहानी है, आप भी सुनिए। 83 या 84 का ये घटना है। क्या क्या नाम रखे हैं? ये लोग का तो अभी इतना हो गया ना, पहले 5 ठो हुआ था, पंच पांडव नाम दिए थे। पहले 5 ठो हुआ था मिला, तो पंच पांडव नाम दिए थे। अभी 8 है। हाँ, जिसमें कि माँ का, इसका जो दो सबसे मत बोले ना, उसके माँ का पैर उठ टूट गया था, तो पैर उठ तो ठीक हुआ, लेकिन 8 बच्चा में 2 ही बच्चा सरवाइव किया। इसको क्या क्या खिलाते हैं? ये लोग को जो है ना, जब माँ का दूध छोड़ देता है, पहले तो मदर सेरेलैक पिलाए, मदर सेरेलैक बच्चे लोग का, उसके बाद दूध भात 2 टाइम और रात को दाल भात दोपहर को, कभी कभी अंडा दे दिए बॉयल करके, सिझा के सबको मिला के खिला के। हाँ, वैक्सीन आपका जो है 7-in-1 5-in-1 ये देते हैं। तो आज देने का था वैक्सीन, मैंने बूस्टर डोज, तो आज वो आया नहीं, तो ऑलरेडी लोग का रैबिज पड़ गया है, फिर रैबिज अगले महीना पड़ेगा फाइनल। और वैक्सीन क्या करते हैं? हम तो बस ट्यूशन ही करते हैं मेनली, तो अभी लॉकडाउन के लिए तो कितना खर्च हो जाता है? देखिए अभी तो 8,000-12,000 तो खाली हमको इसी का खर्चा होता है वैक्सीन का, एट ए टाइम। उसके बाद खिलाने पिलाने का तो रत्ता दी है, रत्ता मैडम है, वो चावल भेज देती हैं, वो चावल आ जाता है उनका। फिर मंथली कितना? मंथली समझ लीजिए आपका 500 से 600 तो मंथली खर्चा होता है दूध उध लेके। अब एक्स्ट्रा कमाई लाइए दवाई दारू का, मान लीजिए सलाइन चढ़ाना पड़ा वो अलग, जिस दिन वैक्सीन पड़ेगा उस दिन पड़ेगा। हाँ, उस दिन आपका 4,000 पड़ जाएगा, अभी कल 4,000 लगेगा, 4,000 ऑलरेडी हो गया, खाली वैक्सीन का 8,000 और आपका 2,000 आपका। ये लोग जो है लावारिस कुत्ता छोड़ देते हैं, उसे नहीं पालते हैं, विदेशी कुत्ता पालते हैं। देखिए हमारा बस यही चीज है, देखिए हमारा कहने का मतलब है, देखिए तेल के माथा में तेल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इनको पालिए ना। अच्छा, यही बात में विदेशी कुत्ता का जो रोग होता है, यहाँ ट्रीटमेंटे नहीं है बहुत। हम कमर टूटा हुआ कितना बच्चा उठा कर लाए थे, एक बार तो बराड़ी से उठा कर लाए थे, मतलब जो बीमार रहता है, रोड पे पड़ा रहता है। हाँ, हाँ, लेकिन यहाँ वो डॉक्टर वैसा है ही नहीं, खाली देखे कागजी कलम खूब है कि ये हो रहा है। हम जब डिस्कवरी चैनल हम जब देखते हैं ना, जू बोल के एक तो आता है, देखते हैं दिमाग खराब हो जाता है, क्या माने वो लड़का का, अरे बाप क्या बोलते हैं मतलब एक बच्चा कुछ हो जाता है, तो मतलब कलेजा को काट के लेके चला गया। मतलब कोई भी जानवर हो, चाहे वो जानवर जानवर होता, उसका हम ये नहीं करते। आज कुत्ता है तो इसलिए हमारे यहाँ देखे गिरगिट भी को ये लोग मार देते हैं, कम करता, हम गिरगिट को भी बचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इनके पास 3 कुत्ते और 8 पिल्ले हैं, जो इनके घर में घुसते ही खुशी से इन पर उछलने लगते हैं। घर के कोने कोने में साय की तरह सौरभ के साथ भी चलते हैं। सौरभ बताते हैं कि ये सभी जानवर इनके लिए अपनी संतान के समान हैं, इसीलिए इनकी छोटी से छोटी जरूरत का भी ख्याल रखते हैं। सौरभ बताते हैं कि अगर किसी एक पर आंच भी आए तो उन्हें लगता है कि कलेजे में किसी ने चोट पहुंचा दी है। सौरभ बैनर्जी बाकी जानवरों से भी बहुत लगाव रखते हैं और जब भी मौका मिलता है तो उनकी मदद जरूर करते हैं।
लेकिन कुत्तों से उनका प्रेम कुछ अलग है। उन्होंने अपनी जिंदगी इनकी सेवा में ही समर्पित कर दी। उनका मानना है कि इनके साथ जिस सुख और शांति का एहसास होता है वो कहीं और नहीं मिलता। सौरभ बैनर्जी की दरिया दिली वाकई प्रेरणादायक है। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।